हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में अगर हम बात करें तो एनिमल कैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ये हेटरोट्रॉफिक हैं, जो कि कंज्यूमर्स हैं और ये डिपेंड करते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट और अदर एनिमल्स पर, क्योंकि ये अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज नहीं कर सकते। देन इस बेसिस पर अगर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल में बात करें तो ये है होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर एक न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन एक टिपिकल न्यूट्रिशन है जो कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। तो और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि होल फूड को, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट का कोई पार्ट हो, उसको इनटेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, उसको हम होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये इस तरी ये जो न्यूट्रिशन है ये स्पेशलाइज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, जिसके लिए कुछ मॉडिफाइड प्रोसेस है। जैसे कि हम बोले उसके लिए सबसे पहले उसको इंजेस्ट किया जाएगा फूड को, देन डाइजेस्ट किया जाएगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, जो स्मॉलर पार्टिकल्स में फूड ब्रेक हो डाइजेस्ट होगा उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर उसको बॉडी में असिमिलेट किया जाएगा और उसको इजेस्ट कर दिया जाएगा, आउटसाइड कर दिया जाएगा जो रिमेनिंग पार्ट होगा। तो अगर इस प्रोसेस को अगर हम समझना चाहें एक बड़े ही सिंपल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, जो कि है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने फूड को इनटेक करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ये एक अमीबा की सेल है और सराउंडिंग में कोई अगर फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये सेल दिख रही है जिसका कि कोई शेप नहीं है, और ये जो स्यूडोपोडिया है ये स्यूडोपोडिया की मदद से फूड को नियर बाय कर लेती है, जिसको अगर हम बेसिक प्रोसेस बोलें तो दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अब ये उस फूड पार्टिकल के सराउंडिंग में फिर उसको इनटेक करेगी तो एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और फूड वैक्यूल जो बनेगा वो लाइसोजोम के साथ में रिएक्ट करके, जो है लाइसोजोम में होते हैं बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम और ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इसमें होगा, और जो भी रिमेनिंग फूड होगा अनडाइजेस्टेड फूड है इसको एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से आउटसाइड कर दिया जाएगा अमीबा की सेल की मदद से। तो इसमें ये पूरी प्रोसेस जो हम यहां बात कर रहे थे कि सबसे पहले इंजेस्ट किया, डाइजेशन किसकी मदद से किया, एंजाइम्स जो कहां अवेलेबल हैं लाइसोजोम्स में, और लाइसोजोम के बाद एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेट इसने कहां किया, अपने सेल में ही। देन इजेशन किसको किया, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को जो रिमिनेंट था उसको थ्रोन आउट कर दिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अगर हम थोड़े हायर ऑर्गेनिज्म में अगर हम पहुंचेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो हमारे लिए भी यही बेसिक प्रोसेस है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल के बेसिस पर, जो कि स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होता है इसका एनस पर। इसके साथ में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर में लिवर, पेनक्रियाज और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो ये सारा एसोसिएट होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। अगर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग को अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझना चाहें, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपने ऑल द ऑर्गन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनटेक ऑफ फूड में, जैसे कि डाइजेशन, एसिमिलेशन और रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, उसको हम पूरा का पूरा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, जो इन दो पार्ट से मिलके बनता है। तो अगर हम एलिमेंट्री कैनाल में बात करें, इस एलिमेंट्री कैनाल में, तो एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे उसमें पार्ट आ जाएंगे, बट सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड बकल कैविटी। बकल कैविटी ये अगर हम बात करें तो यही वो ऑर्गन ऑफ इंजेशन है जहां पर मेस्टिकेशन होता है, स्वेलोइंग ऑफ फूड की प्रोसेस होती है, ये सब बकल कैविटी में प्रोसेस किया जाता है। अगर बकल कैविटी में हम बात करें तो बकल कैविटी मेड ऑफ होती है टीथ, टंग, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, मसल्स और सर्टेन ग्लैंड्स।
यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अगर बात जो समझ में आती है कि यहाँ पर नासल कैविटी है जिसको कि पैलेट सेपरेट कर देता है, रूफ ऑफ दी माउथ है और पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट जो है वो एक एक्सटेंशन बन जाता है, और लास्ट में अगर हम अपने माउथ को ओपन करते हैं तो लास्ट में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि उल्वा कहलाता है जो कि दिखाई देता है उसमें। और अगर हम सेलेवरी ग्लैंड्स की बात किया जाए तो हमारे पास बकल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड है, और सबसे फर्स्ट ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ये 3 तरीके की पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल भी हम इनके लिए, तीनों ग्लैंड्स के लिए बोलते हैं। देन अगर इन तीनों ग्लैंड्स में अगर हम बात करें, जैसा कि यहाँ फिगर में भी मेंशन है, यहाँ पर दिखाई दे रही है पैरोटिड ग्लैंड जो बिल्कुल ईयर के बिलो अवेलेबल है, और एक है सब लिंगुअल ग्लैंड जो टंग के बिलो है, और दूसरी एक और ग्लैंड है जो कि है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये भी टंग के बिलो ही अवेलेबल होती है, चीक के पास में, दिस इज नियर दी चीक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं, और ये तीनों की तीनों ग्लैंड एक्चुअल में क्या सिक्रीट करती हैं, दे सिक्रीट सेलिवा। सेलिवा जिसको वो एक इम्पॉर्टेंट एल्केलाइन पीएच प्रोवाइड कराती है, इसमें अवेलेबल होता है सेलिवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, ये डाइजेशन ऑफ स्टार्ची फूड को करने में मदद करता है, जैसा यहाँ फिगर में रिप्रेजेंटेड है कि स्टार्च है और जो अमाइलेज है वो अप्रोक्सीमेट किस पीएच पर काम करता है, तो यही इसका एक वर्किंग पीएच भी है जिसको जिसका पीएच है 7.2 जो कि स्लाइटली एल्कलाइन है। ये स्टार्च को ब्रेक कर देता है माल्टोज में, और माल्टोज जो कि एक डाइसेकेराइड है इसको माल्टेज एंजाइम ब्रेक करता है ग्लूकोज की 2 सब यूनिट्स में। इस तरीके से ग्लूकोज जो है हमारे एसिमिलेशन में और डाइजेशन में पार्टिसिपेट हो जाता है। देन बकल कैविटी को हम और कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि बकल कैविटी जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें यहाँ समझ में आता है कि यहाँ जितनी भी जो स्पेशल ग्लैंड्स हैं उनमें सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, वो है पैरोटिड ग्लैंड जो बिल्कुल ईयर के पास में ही अवेलेबल है। देन और इसमें जो अगर हम बात करें तो और बकल कैविटी के साथ में इंक्लूडेड जो पार्ट है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, जो बकल कैविटी में प्रेजेंट है, वो टीथ। टीथ बेसिकली 4 टाइप के हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर, देन मोलर। ये टीथ जो पार्टिसिपेट करते हैं ये एक्चुअल है किसकी मदद से, बकल कैविटी, टंग और ये सारी चीजें आपस में मिलके फूड को जो है वो मेस्टिकेट करने में मदद करते हैं और फूड की ग्राइंडिंग भी कराते हैं। तो टीथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ निकल के सामने आता है। और इसके अलावा है हमारे पास एक मस्कुलर टंग। ये जो मस्कुलर टंग है ये एक तरीके का सेंसरी ऑर्गन भी है, ये वॉलेंट्री मसल भी है, ये अपने ऊपर सेंसरी न्यूरॉन्स भी रखती है, और इसके ऊपर छोटे छोटे से कुछ प्रोट्रूड्स रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेपिली, और ये पेपिली ही एक्चुअल में हमारी टेस्ट बड्स भी कैरी करते हैं जो कि किसी फूड के केमिकल नेचर को डिटेक्ट करने में, आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, क्या वो फूड स्वीट है, बिटर है, सॉल्टी है, किस तरीके का फूड का नेचर है, ये हमारे लिए मदद करती है। और टंग का एक बहुत स्पेशल जो कि वॉलेंट्री एक्शन है, एसेंशियल फॉर स्पीच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग ऑफ टंग। और अगर इसमें हम बात करें तो ये जो पूरे फेयर में आपको यहाँ तीनों ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, साथ में यहाँ टंग है, यहीं ये पूरी बकल कैविटी भी अवेलेबल है यहीं पर, और यहाँ पर फूड बोलस के फॉर्म में बन जाता है, और ये फूड अल्टीमेटली जाता है ईसोफेगस के थ्रू, बट यहाँ इससे पहले ये रीच करता है फेरिंग्स में, और फूड को फिर अगेन बोलस के थ्रू जो है ईसोफेगस से ट्रेवल कराया जाता है। बैक साइड में आपको वर्टिब्रल कॉलम दिखाई दे रहा है, तीनों ग्लैंड्स हैं, पैलेट का पार्ट दिखाई दे रहा है, ग्लोटिस दिखाई दे रहा है, ग्लोटिस, देन इस तरीके से ये जो पार्ट है ये बड़ा, ये पूरा बकल कैविटी का पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है। देन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड स्वेलोइंग। स्वेलोइंग जो है इसमें फूड के लिए जो पैसेज ऑफ फूड है
उसको बोलस के फॉर्म में बकल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाया जाता है थ्रू दी फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। इस पूरी प्रोसेस में जो है वो स्वेलिंग है, उसमें विंड पाइप भी यहाँ पर इंक्लूडेड है जो कि लैरिंग्स की ओपनिंग जो कि क्लोज्ड होती है एपिग्लोटिस की मदद से, जिससे जो भी फूड मटेरियल हम इनटेक करते हैं वो कभी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए, इससे इसका प्रिवेंशन हो जाता है। दिस इज ग्लोटिस पार्ट। देन अगर हम बात करें तो यहाँ एक स्पेशल प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस मतलब जो कि है वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो यहाँ सर्कुलेटरी मसल्स होती हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल पर, ये सर्कुलेटरी मसल्स फूड को आगे बढ़ाती रहती हैं रेगुलर वे में, और ये फूड बोलस के फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से हम पूरी की पूरे इस सेक्शन में स्टडी कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी कर रहे होंगे ह्यूमन के स्टमक और डिफरेंट एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट और डिफरेंट अदर एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। थैंक यू।